एलिवीज किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रिंजल रायता। ये खाने में बहुत ही मजेदार है। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम ब्रिंजल। ब्रिंजल को हम इस तरह कट करेंगे क्योंकि जब हम ब्रिंजल फ्राई करते हैं तब वो ऑलरेडी श्रिंक हो जाता है। हाफ के जी हमने कर्ड लिया है, इसको हमने छान लिया है, हमें थिक कर लेना है। 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून जीरा, 4 हमने साबुत रेड चिली लिया है, 10 लीव्स कड़ी पत्ता लीव, शुगर टू टेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, धनिया पत्ता हमने गार्निश के लिए लिया। बैंगन जो हम फ्राई करेंगे उसके लिए हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे अलग से, और जो हमने ये ऑयल लिया है ये हमें जीरा, राई, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता का तड़का लगाने के लिए। अब सबसे पहले हम बैंगन को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम शुगर में पानी डाल देंगे, इसलिए क्योंकि जब हम इसको रायते में डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम बैंगन को फ्राई करेंगे। इसको हम ज्यादा काला नहीं करेंगे, ब्राउन ही रखना है, और ये जल्दी भी फ्राई हो जाएगा। सिम पे इसको हमने फ्राई करना है। हमारे बैंगन फ्राई हो गए हैं, इसी तरह हम बाकी के बैंगन भी फ्राई कर देंगे। हमारे सारे बैंगन अब फ्राई हो गए हैं, अब हम तड़का तैयार करेंगे। सबसे पहले तड़के के लिए हम पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, अब हम राई, जीरा डालेंगे और ये हम सिम पे रखेंगे। रेड चिली, कड़ी पत्ता, ये हो गया है। अब हम इसको, ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। सबसे पहले बाउल में हम कर्ड डालेंगे। और कर्ड को अच्छे से बीट कर लेंगे। क्योंकि ये बहुत थिक कर्ड थी, ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। अब इसमें जो हमने तड़का रेडी किया वो डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने शुगर डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। शुगर मिक्स होने के बाद अब हम बैंगन डालेंगे।
और इसको मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट अब हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सॉल्ट दही को खट्टा कर देता है। सॉल्ट हम जब डालेंगे जब हम इसे सर्व करेंगे। हम इसको बहुत आराम से हिलाएंगे क्योंकि ये बैंगन टूटे ना। इस तरह हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको परांठे के साथ, पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये था आज का हमारा बैंगन का रायता। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। बाय।